ओम शांति। 17/2/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज की मुरली में। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें घर बैठे भगवान बाप मिला है तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। विकारों के वश खुशी को दबा नहीं देना है। प्रश्न है मुरली का, तुम बच्चों में लकी किसको कहेंगे और अनलकी किसको कहेंगे? उत्तर में बाबा ने कहा, लकी वह है जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते, सबको सुख देते हैं, और अनलकी वह है जो सिर्फ सोते और खाते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं, पुरुषार्थ में कमी होने से ही अनलकी बन जाते हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है उनकी निशानी क्या होगी? तीसरा नेत्र दिव्य चक्षु को आत्मा को कहा है बाबा ने, तो उसकी निशानी क्या होगी, सक्सेसफुल होता है कि नहीं? उत्तर में बाबा ने कहा, वह माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगी नहीं, ठोकर नहीं खाएंगे, उनकी दैवी चलन होगी, धारणा अच्छी होगी। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। शिव भगवानोवाच, वा ऐसे भी कह सकते हैं कि गीता के भगवान शिव भगवानोवाच। गीता का नाम लिया जाता है क्योंकि गीता को ही खंडन किया गया है। सारा मदार इस पर है कि गीता श्री कृष्ण साकार देवता ने नहीं गाई है। बाबा कहते हैं, अर्थात श्री कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखाया है, वह श्री कृष्ण द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं हुई है। यह सब महावाक्य बुद्धि से समझ कर समझाने की, बाबा हमसे सेवा करने की बात कहते हैं, बाप समान आप समान बनाने की, बनने की। बाबा कहते हैं, देवी देवता न देवी देवता की धर्म की जो स्थापना है वह श्री कृष्ण द्वारा हो नहीं सकती। श्री कृष्ण को निराकार भगवान तो नहीं कह सकते, श्री कृष्ण का चित्र ही अलग है, निराकार का रूप अलग है। वह है परम आत्मा, उनका कोई शरीर नहीं है, पुकारते ही हैं, हे भगवान रूप बदल कर आओ। वह कोई जानवर का रूप तो नहीं धरेगा, और जो हमने सुना, सुनते आए, सुनते भी हैं, पशु पक्षियों को भगवान की पदवी देकर उनको पूजते हैं, कोई किसी का गरुण बना दिया कि इस पर ये भगवान बैठे, गणपति का चूहा बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, अब भगवान को भी ऐसे कह देते, कुत्ता बिल्ली में सब में कह देते। अब यदि भगवान किसी जानवर में आए तो जानवर कैसे आपको दुख से सुख का रास्ता दिखाए? क्या आप जानवर की भाषा समझ पाएंगे? क्या जानवर हम आपके समान बोलकर आपको यह ऊंचते ऊंच ज्ञान दे सकेगा? दे सकेगा कोई ज्ञान? कच्छ मच्छ के अवतार में आ जाएंगे तो क्या हमें वह ज्ञान दे सकते हैं जिसके द्वारा हमारी सदगति हो जाए, जिसके द्वारा हमारे विकर्म विनाश हो जाएं? तो कैसे हमने यह सब मान लिया कि भगवान आते हैं, जानवर का रूप रखेंगे, या ऐसे सब प्रकृति में कहीं भी किसको भी बोल देते? अरे वो ज्ञान सिर्फ कनरस के लिए है, वो दंत कथाएं हैं, वह सब झूठ है। जब तक ज्ञान सागर खुद ना आए और अपना परिचय खुद ना दे
और हमारा परिचय ना दे, हमारी दुख का कारण ना समझाए और ना पता हो जिसे, तो वो समझाए कैसे। अब जो एवर प्योर है, जो परमात्मा है, जिनको शरीर नहीं है, वो कर्मों की गति में नहीं आते हैं, तो उनकी कर्मों की गति में नहीं आते तो उनकी दुर्गति भी नहीं होती। तो वो बाप आकर के जब हमें ज्ञान दे तब फिर हम पुण्य आत्मा बने। अभी तो पाप आत्मा रावण विकारों ने बनाया है। तो बाबा समझाते हैं महावाक्यों में कि कहते सभी पुकारते हैं कि रूप बदल कर आओ, वह कोई जानवर का रूप तो नहीं धरेगा, मनुष्य ने तो जानवर का भी रूप दे दिया है, कच्छ मच्छ अवतार 12 अवतार, परंतु खुद कहते हैं मैंने यह रूप धरे ही नहीं है। ब्राह्मण कुल को रचने वाला ब्रह्मा, ब्रह्मा और श्री कृष्ण में तो बहुत फर्क है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण रचे, वह ब्राह्मण रचे गए, फिर श्री कृष्ण के मुख से देवताएं रचे गए, ऐसे तो कहां भी नहीं लिखा हुआ है। अभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी बुद्धि में यह हो कि निराकार परमात्मा साकार में आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। ज्ञान लेने वाली भी आत्मा है तो देने वाली भी आत्मा है, वो परमात्मा है और हम आत्माएं हैं। हम ज्ञान उस परमात्मा से लेते हैं, देने वाली परमात्मा से, तो हम भी तो आत्मा में ही समाते हैं। जो भी ज्ञान तो हमारी आत्मा ही सुनती समझती है और फिर खुद को बदली करती, कर्म इंद्रियों का सहारा लेना भी पड़ता है सुनने के लिए और सुनाने के लिए भी। तो ईश्वर ने फिर ब्रह्मा का तन लिया। बाबा कहते हैं इस तरह लेने वाले और देने वाले दोनों आत्माएं हैं ज्ञान। आप आधा कल्प के भिन्न भिन्न रूप से माता पिता गुरु गोसाई आदि सब देहधारी एक दो को कुछ ना कुछ मत देते आए हैं। अभी इस समय तुम्हें वह माताश्च पिता पर समझाया जाता है, यह महिमा एक की ही गाई जाती है। बाप कहते हैं तुम्हारे जो भी लौकिक माँ बाप बंधु गुरु गोसाई हैं, सभी की मत को छोड़ो, मैं ही आकर तुम्हारा बाप टीचर गुरु बंधु आदि बनता हूँ। मेरी मत में सभी की मत समाई हुई है, इसलिए मुझ एक की मत पर चलना अच्छा है। बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा जरूर अभी ही मत देंगे ना, यह परम आत्मा तुम आत्माओं को मत देते हैं और वह सभी मनुष्य मत देते हैं। वास्तव में तो वह भी आत्माएं ऑर्गेन्स द्वारा मत देती हैं, वो भल हमें वो नॉलेज नहीं रहता है कि हम आत्मा शरीर को चलाती हैं या मैं आत्मा अलग हूँ शरीर अलग है और हम आते हैं, या ड्रामा के बाद हमारा रिजल्ट कल्प के बाद क्या होता है, कलयुग में क्या होता है, आदि में क्या, तो यह सब करती तो आत्मा ही है। लेकिन बाबा कहते हैं कि यह सब नॉलेज रहता नहीं है किसी मनुष्य के पास, मत देती है लेती है ऑर्गन्स द्वारा आत्मा, परंतु मनुष्य ना रूप में फंसे हुए हैं, ना नाम रूप में फंसे हुए हैं बाबा कहते हैं, तो इस राज को नहीं जानते हैं। अब द्वापर से 60 किलो के वजन को ढोते आए हैं 50 किलो के वजन को, है तो उसी वजन को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, उसी नाम रूप में फंसे हुए हैं और इस चक्कर में इस राज को जानते ही नहीं, यह भी ड्रामा में नोंद है। जैसे कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, अब बुद्ध तो शरीर का नाम हो गया, वह शरीर तो कहाँ जाता नहीं, वह कहेंगे फलाना बैकुंठ गया। अब शरीर वह नाम शरीर का लेंगे, बाबा कहते ऐसे नहीं कहेंगे कि वह शरीर छोड़ उनकी आत्मा गई, है ना, देह अंत, देह का अंत होता है, कहते ना स्वर्गवासी कहते हैं, बाबा कहते अगर स्वर्गवासी होता तो रोते गाते क्यों, स्वर्ग गया और शरीर के साथ तो कोई जा ना सके। और देवी देवता भी कहा गया ना कि धरनी पर देवी देवताओं के पैर नहीं पड़ते, तो धरनी पर नहीं पड़ते अर्थात इस कलयुगी धरनी पर देवी देवताओं का जन्म हो ही नहीं सकता, ये तमो प्रधान दुनिया में कोई देवी देवता नहीं आ सकते इस बिकारी दुनिया में,
जहाँ सतो प्रधान दुनिया होती है वहां की धरणी को बाकुंठ कहते हैं, जहाँ 100 सुख देने वाले मनुष्य आत्माएं और 100 सुख देने वाली प्रकृति, 5 तत्व सभी सुख देने वाले, तो वहां देवी देवताएं जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं है कि देवी देवताएं कहीं दूसरे लोक में या कहीं आसमान में लटके रहेंगे, शरीर के साथ ऊपर लटक सकते हैं, गिर नहीं जाएंगे पट्ट से नीचे। तो यह सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि फलाना निर्वाण धाम गया और ये गया वो गया, बाबा कहते हैं नाम शरीर का लेंगे लेकिन ऐसे नहीं कहते कि शरीर छोड़ गए और आत्मा चले गए, है ना। तो ऐसे कोई जाते ही नहीं, तुम समझते हो आत्मा को ही स्वर्ग में जाना है, वह भी कल्प बाद जब कलयुग का अंत होता है। तो आत्मा कोई स्वर्ग से यहाँ नहीं आती, आते सब परम धाम से हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है, तुम जानते हो इस सृष्टि पर पहले देवी देवताओं की आत्माएं थीं जिन्होंने सतयुग में पार्ट बचाया। तुम्हारी बुद्धि में आत्मा और परमात्मा का पूरा परिचय है, खुद का और बाप का, है ना। तो भल तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, देह अभिमान में आ जाते हो, पूरी रीति कोई से मेहनत होती नहीं, माया ऐसी है जो पुरुषार्थ करने नहीं देती, खुद भी सुस्त है तो माया और ही सुस्त बना देती है। विश्व का मालिक खुद बैठ पढ़ाते हैं, जिसमें मात पिता बंधु सखा गुरु आदि सभी संबंधों की ताकत आ जाती है। यह महिमा है ही एक निराकार परमात्मा की, परंतु मनुष्य समझते नहीं, लक्ष्मी नारायण आदि सबके आगे जाकर महिमा गाते रहते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं 84 जन्मों का चक्र लगाकर आई हैं, अब यह अंतिम जन्म है। यह घड़ी घड़ी बुद्धि में याद रहना चाहिए, यह नॉलेज बड़ी खुशी की है। ऐसा बेहद का बाप स्वयं तुम बच्चों की और कोई को मिलता नहीं है। विवेक भी कहता है परमपिता परमात्मा का जो बच्चा बना है उनकी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, परंतु लोभ मोह आदि विकार आने से खुशी को दबा देते हैं। इन विकारों ने ही सारी दुनिया की खुशी को दबा दिया है। तुमको तो घर बैठे बाप आकर मिला है, भारत में आए हैं। भारतवासियों का तो भारत घर है ना, परंतु आएंगे तो जरूर एक घर में, तो ऐसे तो नहीं घर घर में आएंगे, फिर तो सर्वव्यापी हो गया। वह आएंगे तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। दुनिया तो समझती है श्री कृष्ण आएगा, परंतु तुम जानते हो परमपिता परमात्मा आया हुआ है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। उनका नाम वास्तव में रुद्र है, और कल जैसा कि सभी जानते हैं शिवरात्रि, शिव जयंती, शिव निराकार परमपिता परमात्मा संसार में घोर अंधियारी रात में अर्थात दुख के समय कलिकाल का अंत करने आते हैं, और शिव परमपिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचकर फिर नए युग की रचना ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा कराते हैं, और वही ब्राह्मण ब्राह्मणियां जाकर देवी देवता बनती हैं, और वह भी पावन दुनिया के डबल सरताज बच्चों को बाबा आकर के पढ़ाते हैं, ईश्वर खुद आकर पढ़ाते हैं। और कल शिवरात्रि बहुत धूमधाम से सेंटर्स में और मधुबन में, तो आप सभी जानते ही हैं कि स्वयं बाबा की जन्मभूमि, तो वहाँ के तो जो बच्चे बाबा के पहुँच गए, समझ लो कितना बाबा का प्यार और कितना बाबा का महसूस करते होंगे पालना को। तो यह कोई मुख की बात नहीं, यह बाबा का प्यार स्नेह, तो आप जो करे वही समझे, है ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि परमपिता परमात्मा आया हुआ है ना, लेकिन दुनिया समझती श्री कृष्ण आएगा,
बाबा कहते हैं जो पतित पावन ज्ञान का सागर है उनका नाम वास्तव में रुद्र है, यह बड़े ते बड़ी भूल है। जब यह समझें कि वह बेहद का बाप सारी सृष्टि का रचयिता है तो खुशी का पारा चढ़ जाए। ऐसा बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा, श्री कृष्ण से तो वर्षा मिल ना सके। इन बातों पर भी किसकी बुद्धि नहीं चलती, दुनिया तो सारी शूद्र सांप्रदाय है, ब्राह्मण ब्राह्मण भी सिर्फ कहलाने मात्र हैं। तुम ब्राह्मण जब विचार सागर मंथन करो तब औरों को भी परिचय दे सको। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, सिर्फ कोई कहते राधे कृष्ण स्वर्ग के हैं, कोई फिर द्वापर में ठोक देते, यह भी मुझ कर दी है। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है, तुम ईश्वरीय संप्रदाय में ही ज्ञान आ सकता है, आसुरी संप्रदाय में ज्ञान कहाँ से आया। भल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु अपने को पतित समझते नहीं, स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, सिर्फ नाम मात्र कहते हैं, यह भी नहीं समझते कि देवताएं स्वर्गवासी हैं। तुम जब समझाते हो तब आंखें खुलती हैं, माया ने आंखें ही बंद कर दी हैं। प्राचीन भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह भी नहीं जानते। हम भी नहीं मानते थे, यह तो समझ सकते हैं कि अन्य धर्म तो बाद में आए हैं, देवताओं के समय यह धर्म नहीं थे, तो जरूर वहां सुख ही सुख होगा। बाबा बच्चों को रचते ही हैं, बाप ही आते हैं बच्चों को रचते हैं सुख के लिए, ऐसे नहीं सुख दुख दोनों देते हैं। लौकिक बाप भी बच्चा मांगता है तो उनको धन संपत्ति देने के लिए, ना कि दुख देने के लिए। कितना बाप एक बच्चे के लिए करता है ना, भला ही खुद कुछ नहीं अपने लिए करते हैं इकट्ठा, लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ अपना एक तरह से समर्पित भाव से, निस्वार्थ निष्कपट भाव से करते हैं ना। तो यह है असली जो बात है, बाबा हमें आकर के बताते हैं कि असली बेहद का देने वाला और बेहद का बाप मैं ही हूँ जो सुख देने आता हूँ। ठीक लौकिक बाप के समान मैं दुख क्यों दूंगा, है ना। तो ये समझाने के लिए बाबा कहते हैं। तो वो तो बापों का बाप, देवों का देव, पतियों का पति महादेव, है ना, कालों का काल महाकाल। अच्छा, तो महाकाल तो सबको ले जाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह मैं आता हूँ, है ना, तुम बच्चों को करता हूँ, रचता हूँ और फिर सुख देता हूँ। सुख देने के लिए तो दुख मैं नहीं देता हूँ। लौकिक बाप भी बाप मांगता है तो उनको संपत्ति देते हैं बच्चों को, ना कि दुख देने के लिए। यह तो अभी हम समझते हैं कि द्वापर से लेकर लौकिक बाप भी दुख ही देते आए हैं, सतयुग त्रेता में तो दुख नहीं देते। देखो मेरे मन में यह संकल्प ऊपर की लाइन पढ़ने से पहले आ रही थी कि बाबा लौकिक पिता के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन बाबा ने फिर क्लियर भी कर दिया कि जो द्वापर से तो देवी देवता होते नहीं, फिर दुनिया मनुष्य मनुष्यों की कहलाने लग जाती है, क्योंकि देवत्व देवगुण खत्म हो जाते हैं। तो फिर देखो बाबा कह रहे लौकिक बाप भी दुख ही देते आए हैं, है ना। तो सतयुग त्रेता में तो दुख नहीं देते। यहाँ माँ बाप प्यार तो बहुत करते हैं, परंतु उनको फिर काम कटारी नीचे डाल देते हैं, तो दुख आरंभ हो जाता है। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता, वहां तो दुख की बात नहीं, यह बाप बैठ समझाते हैं। अब वहां विकार ही नहीं, है ना, काम विकार नहीं, पांच विकार नहीं, तो वहां कुछ भी दुख की बात ही नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारे में भी नंबर वार समझते हैं, तुम्हारा यह ज्ञान योग से ऑपरेशन हो रहा है, परंतु कोई का सक्सेसफुल होता है, कोई का नहीं होता है। जैसे आंखों का ऑपरेशन कराते हैं तो कोई की ठीक हो जाती है, कोई में थोड़ी खराबी रह जाती है, कोई की आंखें बिल्कुल खराब हो जाती है। तुमको भी अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, तो बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है, तो अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। कोई का पूरा नहीं खुलता है तो धारणा नहीं होती है। बाबा कहते हैं देवी चलन भी
नहीं होती। माया के तूफान में घड़ी घड़ी गिरते रहते हैं। एक तरफ है 21 जन्मों का सुख देने वाला उस्ताद, दूसरे तरफ है दुख देने वाला रावण। उसे भी उस्ताद कहेंगे, दोनों थोड़े कम हैं। वो अपना सब उस्ताद ही है, लेकिन ये बाप सुख देने वाला उस्ताद है, है ना। तो बाबा कहते हैं, मैं तो कोई को दुख नहीं देता, मैं तो सुख देने वाला नामी ग्रामी हूँ। सतयुग त्रेता में सब सुखी है, सुख देने वाला और है। यह भी किसको पता नहीं है कि रावण राज्य कब आरंभ होता है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य, आधा सुख आधा दुख। जब दुख है तब सुख नहीं, और जब सुख है तब दुख नहीं। जब रात है तब दिन नहीं, जब दिन है तब रात नहीं। और ये बेहद की रात दिन की बात हो रही है। ऐसे नहीं है कि वहां ये दिन और रात नहीं होते, या तारे नहीं निकलते, या सूरज नहीं निकलता, है ना। कई कई फिर उधर मूंज पड़ते। अच्छा, तो बाबा कहते हैं दोनों आधा आधा कल्प है। यह है राम राज्य और रावण राज्य की कहानी, परंतु यह भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। कोई तो बिल्कुल जड़जड़ी भूत अवस्था में है, तो कुछ भी नहीं समझते। जितना मनुष्य पढ़ते हैं उतना मैनर्स भी आते हैं, दबदबा रहता है। हमारा फिर गुप्त दबदबा है। आंतरिक नारायणी नशा चढ़ा होगा तो वर्णन भी करेंगे, औरों को समझाएंगे। यह पढ़ाई तो राजाओं का राजा बनाने वाली है। कांग्रेसी लोग तो राजाओं का नाम सुनकर गर्म हो जाते हैं, क्योंकि पिछाड़े के राजाएं ऐसी बन गए थे। परंतु यह मूल बाबा कहते हैं कारण यह भूल गए हैं कि आदि सनातन देवी देवताएं राजा रानी थे। अभी तुम फिर बाप से शक्ति ले किस पीढ़ी राज्य भाग्य लो, यह सत्य नारायण की कथा तो मशहूर है। सत्य नारायण, एक बाप आकर जब सत्य कथा सुनाते हैं नरसि नारायण बनने की, उस श्रीमत पर चल फिर क्या बनते हैं, सत्य सुनकर नर नारायण बनते हैं, नारी लक्ष्मी बनती है। तो यह सत्य नारायण की कथा है, और सत्य बाप आकर हमें यह कथा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, परंतु विद्वान आचार्य भी नहीं जानते गीता का कितना आडंबर बनाया है। लाखों सुनते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अब इन विचारों को कौन सुझा करे, यह तुम बच्चों का काम है। परंतु बहुत थोड़े बच्चे हैं जो औरों को सुझा कर सकते हैं। जो जितना आप समान बनाएंगे उतना पद भी ऊंच पाएंगे। बाप कहते हैं, बीती सो बीती, देखो ड्रामा में ऐसे था, आगे के लिए पुरुषार्थ करो। अपना चार्ट देखो, इतने समय में क्या धारणा की है। कोई 25-30 वर्ष के हैं, कोई एक मास का, कोई 7 रोज के बच्चे हैं, है ना। और यह 7 रोज 25-30 वर्ष आयु बाबा शरीर की या आपकी नहीं कह रहे हैं। बाबा से जो बच्चे आते हैं, मिलते हैं, जो परमात्मा की पहचान पा लेते हैं, तो उन बच्चों की बाबा बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, परंतु 15-20 वर्ष वालों से गैलप कर रहे हैं, वंडर है ना। या तो कहेंगे माया प्रबल है, या तो ड्रामा पर रखेंगे। परंतु ड्रामा पर रखने से पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। समझते हैं हमारे भाग्य में नहीं है। तुम सब लकी स्टार्स हो, तुम्हारी भेंट ऊपर के स्टार से की जाती है, वो सुपर स्टार हम स्टार। तो तुम सृष्टि के सितारे हो, वह तो सिर्फ रोशनी देते हैं, तुम तो मनुष्यों को जगाने की सेवा करते हो। दिन से रात करते हैं हद के सितारे और चांद। और यहाँ जो चांद ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा कहा ना, और सितारे जो बाबा के निमित्त बच्चे, सेवाधारी बच्चे है ना, ब्राह्मण आत्माएं, वो चैतन्य आत्माएं क्या करती हैं, रात को दिन में बदली करती हैं। जमी पर उतरे हैं सितारे रात को दिन बनाने, है ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं,
वह तो सिर्फ रोशनी देते हैं कि सूरज निकला तो दिन हो गया, चांद सितारे निकले तो रात हो गई। तुम तो मनुष्यों को जगाने की सेवा करते हो, दुखियों को सुखी बनाते हो। मनुष्य इन सितारों को नक्षत्र देवता कहते हैं, सच्चे देवता तो तुम बनते हो। जो जैसा बनेगा, जैसा धारणा होगी, वैसे वैसे प्रैक्टिकल में वहां जाकर प्रलब्धि प्राप्ति मिलती है। तो पापा कहते, सच्चे देवता तो तुम बनते हो। उन सितारों को देवता कहते हैं क्योंकि वह ऊपर रहते हैं। देखिए, प्रकृति का, चांद सूरज पांच तत्वों का शुक्रिया हर एक चीज में, हर एक बात का करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी हमें देखो जन्म जन्मांतर अपना सेवा दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, तो सबका शुक्रिया करो। लेकिन उन्हें देवी देवता मान करके पूजा करने की दरकार नहीं, क्योंकि वो हमें देवी देवता नहीं बनाते हैं या वो भगवान नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से, परंतु देवताएं कोई ऊपर नहीं रहते, है ना, क्योंकि ऊपर रहते हैं तो कह दिया देवता, रहते तो इसी सृष्टि पर हैं, परंतु मनुष्यों से ऊंच जरूर हैं। कौन? देवी देवता। सबको सुख देते हैं, जो एक दो को दुख देते हैं उनको थोड़े ही लकी स्टार कहेंगे। लकी और अनलकी इस समय हैं, जो आप समान बनाते हैं उन्हें लकी कहेंगे, जो सिर्फ सोते और खाते हैं उनको अनलकी कहेंगे। स्कूल में भी ऐसे होते हैं, यह भी पढ़ाई है, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। राधे कृष्ण को 16 कला लकी कहेंगे क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण है। तो राम सीता 2 कला कम हो जाते हैं, वहां 14 कला में आ जाते हैं, जिसे फिर चंद्रवंशी कला कहा, और चंद्रवंशी कला में फिर राम सीता का राज्य हो जाता है। सबसे नंबर वन लकी लक्ष्मी नारायण है और उन्हें ही महाराजा महारानी कहते हैं। 16 कला वह भी इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं, पुरुषार्थ में कमी करने से अनलकी बन पड़ते हैं। तुमको तो बाप खुद पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट हो ही गोपियों हो। वास्तव में यह अक्षर सतयुग से निकला है, वहां प्रिंस प्रिंसेस खेल पाल करते हैं, तो प्रिय नाम गोप गोपियां रखा है। श्री कृष्ण के साथ दिखाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो गोप गोपियां नहीं कहा जाता है। होंगे तो सभी मनुष्य ना, सभी प्रिंस होंगे। बाबा कहते हैं वहां ऐसे थोड़ी मनुष्य होते ही नहीं, वहां तो सभी का राजा ही ठाट बाट है, सबको राजा ही देते, मर्तबे बस अलग अलग रहेंगे। तो बाबा कहते होंगे तो सभी प्रिंस ना, कोई दास दासियां व बाहर के गांवड़े के लोगों से तो नहीं खेलेंगे महल में, बाहर वाले तो आ ना सके। श्री कृष्ण बाहर जमुना आदि पर नहीं जाते हैं, अपने महल में ही अंदर खेलते हैं। देखो बाबा कितना बड़ा राजराज बता रहे सतयुग का, तो यहाँ बैठ के ही तो हमें वो सब देखना है दिव्य दृष्टि से, बाकी तो वहां करके यह सब तो भूल जाना है। तो भागवत में तो कई फालतू बातें बैठ लिखी हैं, मटकी फोड़ी आदि है, कुछ भी नहीं। वहां तो बड़े कायदे हैं, तो बाप कितना समझाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो, इस समय तुमको सुख ही सुख मिलता है, उनकी कितनी महिमा है, सबके दुख कैंसिल कराए, सभी को सुख देते हैं। कहते हैं माम एकम, याद करो माम एकम, याद करो मुझे मन से। यह बाप आकर ना पढ़ाते तो क्या पढ़ सकते? नहीं, यह मोस्ट लवली बाप है, सबसे अच्छी मत देते हैं। मन मना भव, मुझे याद करो, स्वर्ग को याद करो, चक्र को याद करो। क्या कहा बाबा ने? मन मना भव, मुझे याद करो, स्वर्ग को याद करो, सुख की दुनिया को, चक्र को याद करो। मुझे बाबा कहते हैं इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वह तो सिर्फ विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ का पता नहीं है। हम अभी जानते हैं कि शंख है ज्ञान का, जो निराकार बाप देते हैं, विष्णु थोड़े ही देते हैं, और देते हैं मनुष्यों को, जो फिर देवता अथवा विष्णु बनते हैं। कितना मीठा ज्ञान है, तो कितना खुशी से बाप को याद करना चाहिए। अच्छा, एक साथ कहेंगे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा की नजर, बाबा का साथ और बाबा का हाथ हर पल हर क्षण मेरे सर के ऊपर ही है ना?
अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे ब्राह्मण कुल भीषण, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को याद प्यार, परंतु बच्चे स्वदर्शन चक्र फिर चलाते बहुत थोड़ा है, कोई तो बिल्कुल नहीं फिराते, बाप तो रोज कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, यह भी आशीर्वाद मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा, एक बाप की मत में बाप, टीचर, गुरु, बंधु आदि की सब मतें समाई हुई है, इसलिए उनकी मत पर ही चलना है। मनुष्य मत पर नहीं, परमत और स्वामत पर नहीं, श्रीमत पर चलना है। दूसरा, बीती को बीती कर पुरुषार्थ में गैलप करना है, ड्रामा कहकर ठंडा नहीं होना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है आज बहुत प्यारा मीठा बच्चों के लिए बाप का, शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव, जैसे वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया है, ऐसे अब शांति का तेज चला। इस शांति की शक्ति द्वारा रेत में भी हरियाली कर सकते हो, कितना भी कड़ा पहाड़ हो उसमें भी पानी निकाल सकते हो। इस शांति की महान शक्ति को संकल्प, बोल और कर्म में प्रैक्टिकल लाओ, तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। फिर शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति के अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगी, और आप शांति के चुंबक बन जाएंगे। स्लोगन है, आत्माभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएंगी। आत्माभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया।